नमस्कार, मैं मीना लेमन इस निर्दय में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते आज की खास खबर, उस युवक के खून की छानबीन सीआईडी की तरफ देने की मांग। कराड़, दो वर्ष पहले विद्यानगर तालुका कराड़ यहां गजानन हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले घर में विजय पवार इनका खून किया गया। इस मामले में पुलिस कुछ नहीं कर पाए, इसलिए अब पूरी छानबीन का मामला सीआईडी को सौंपा जाना चाहिए। ऐसी मांग उनके भाई विशाल पवार और परिवार के लोगों ने की। विशाल पवार ने कहा कि बड़े भाई विजय पवार इनके घर 1 जनवरी 2017 को हत्या हुई। इस बात को 2 साल हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने अभी तक कुछ भी छानबीन नहीं कर पाए हैं। इस बात में किसी प्रकार से कोई बात सामने नहीं आई है, इसलिए तक के परिवार ने पुलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटिल इनकी दो बार मुलाकात की और मामले को उप निरीक्षक नवनाथ धवले इनको सौंपा गया। अब वे इस मामले की छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वे कुछ भी कर नहीं पाए। इस मामले की छानबीन ठीक से नहीं हो पा रही है, इसलिए यह मामला सीआईडी को सौंपा जाना चाहिए, ऐसा विजय पवार के परिवार वालों का कहना है। दोपहर में 1 से 2 के बीच सदाशिव, जो कि उसका मित्र था, वह कार लेकर लौटा। तब उनके घर का दरवाजा विजय की हत्या हुई ऐसा सदाशिव को प्रतीत हुआ। वैसे ही उसने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। खून से भरा जैकेट, तलवार जैसे शस्त्र, ऐसी वस्तुएं पुलिस ने वहां से जब्त की, लेकिन खूनी अभी तक फरार है, वह पकड़ा नहीं गया। तो देखते रहिए खास खबर एमएनएस निर्दय की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।